इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नार्को हेल्पलाइन ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए कीमत की अवैध मादक पदार्थ भांग के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा नगर दामानगर के पास गोदाम से अवैध मादक पदार्थ भांग इंदौर सहित आसपास के जिलों में तस्करी की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। ये नशे के विरुद्ध में सख्त प्रहार अभियान इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें नार्को हेल्पलाइन भी स्थापित हुई है और इस पर काफ़ी सूचनाएं आ रही हैं। इसी सूचना के तारतम्य में एक जानकारी अवैध रूप से भांग का भंडारण की मिली थी वैशाली नगर क्षेत्र में, जिस संबंध में जो है क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा वहाँ पर रेड कार्रवाई की गई और वहाँ से 5 व्यक्तियों को 270 बोरी भांग, जिसमें करीब 16,200 किलो जो है भांग थी, इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है, इसको जो है जब्त किया गया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, इसकी विवेचना की जा रही है। कहाँ ले जा रहे थे, कहाँ से लाए थे? इस संबंध में पूरी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पूरा प्रारंभिक जो जानकारी लगी है, ये जो फैक्ट्री वगैरह है मुनक्का वगैरह बनाने की, इसमें ये यूज़ होती है। एक बार ये इन्वेस्टिगेट हो जाए मैटर, फिर आपको बता पाएंगे।